गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास वन का है। क्लास वन में ये 12 चैप्टर है, इसमें आज हम लोग पहला चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करेंगे। अब इसमें हम लोगों को देखना है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि हम लोग जो है एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में रहते हैं और यहाँ बहुत सारे यानी कि थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स हैं। इनमें से कुछ थिंग्स जो हैं हमें नेचर से प्राप्त होता है, यानी कि सम ऑफ देम आर गिवेन अस टू बाई नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, यानी कि उसे हम लोग प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, स्टार, ट्री, प्लांट, ग्रास, बर्ड्स, एनिमल, रॉक, माउंटेन, इटीसी, ये सभी जो है नेचुरल थिंग्स है या प्राकृतिक वस्तु है, क्योंकि इसे हमने नहीं बनाया, ये हमें कहाँ से मिला, प्राकृतिक से मिला। उसी तरह दूसरी तरफ देखते हैं तो मैनमेड थिंग्स है, सम ऑफ देम आर मेड बाई मैन आर कॉल्ड मैनमेड थिंग्स, यानी मानव निर्मित वस्तु। फॉर एग्जाम्पल हाउसेस, रोड्स, बुक्स, पेंसिल, बोटल, कार, बस, एयरप्लेन, एरोप्लेन, इटीसी, यानी कि ये सभी जो हाउसेस हैं, रोड है, बुक है, पेंसिल है, ये किसी मैन ने बनाया, ये नेचुरल थिंग्स नहीं है। अब हम लोगों को देखना है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि लिविंग मीन्स सजीव और नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव। और ये कहाँ हमें दिखाई देता है, कहाँ मिलता है, तो ये हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिलता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग थिंग्स किसे कहेंगे, तो लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम, यानी वैसे वस्तु जिसमें जीवन संभव है या जीवन होता है, उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग। दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स ये क्या है, तो थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रॉक, सॉयल, इटीसी, यानी वैसे वस्तु जिसमें जीवन संभव नहीं होता है, उसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इसको हम लोग डिफर कैसे करेंगे। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिफर इन मेनी वे, इसे हम लोग कई एक तरीके से बांट सकते हैं। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो, तो दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स बढ़ता है तो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ता है। लिविंग थिंग्स मूव, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, लिविंग थिंग्स चलता है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं चलता है। इसी तरह और भी भिन्नताएं हैं, जैसे लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। जैसे सजीव वस्तुओं को जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह सजीव वस्तुएं सांस लेते हैं, या लिविंग थिंग्स ब्रेथ, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, नॉन लिविंग थिंग्स जो है ये ब्रेथ नहीं करता है। इसी तरह आगे देखेंगे तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूज मोर देयर ओन काइंड, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूज, लिविंग थिंग्स जो हैं ये प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस नहीं होता है। इस तरह हम लोग देखें कि लिविंग एंड नॉन लिविंग को हम लोग क्या किए, अलग अलग बांट सकते हैं। गॉड हैज गिफ्ट अस ए वंडरफुल वर्ल्ड, इट इज आवर ड्यूटी टू कीप इट क्लीन एंड ब्यूटीफुल, भगवान ने हमें एक सुंदर आश्चर्यजनक दुनिया दिया है, वर्ल्ड दिया है, और हमारी ड्यूटी है कि हम इसे साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी कैन मेंटेन आवर सराउंडिंग बाई ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट, इसके लिए हमें अपने आसपास में
बहुत सारे पौधे लगाने होंगे। एवॉइड कटिंग ट्री, पेड़ पौधे को काटना नहीं होगा। कंट्रोलिंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन, हम लोगों को ट्रैफिक को कंट्रोल करना होगा और पोल्यूशन से बचाना होगा। स्टॉप हंटिंग एनिमल्स एंड हमें जानवरों की सुरक्षा करनी होगी। तो इस तरह से हम लोग देखे, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम बुक में टिक लगा रहे हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इट इज ए नेचुरल थिंग्स। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि वह वस्तु जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, प्राकृतिक से, उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर ए का वन का आंसर ए होगा, एयर। उसी तरह दूसरे में इट इज मैन मेड थिंग्स, तो मैन मेड मतलब जिसे किसी मनुष्य ने बनाया, तो हाउस, ट्रैक, पेन, ये सारे हैं, इसलिए इसमें होगा ऑल ऑफ दीज। इट इज नेचुरल लिविंग थिंग्स, यानी नेचर में भी सजीव वस्तु क्या है, तो ये हैं प्लांट्स। उसी तरह कहता है, इट इज नॉट गुड फॉर आवर वर्ल्ड, ये हमारे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, तो कटिंग ट्री भी ठीक नहीं है, पॉल्यूशन भी ठीक नहीं है, किलिंग एनिमल्स भी ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ होगा ऑल ऑफ दीज। अब ये बी है, लुक अराउंड एंड नेम एनी थ्री ऑफ ईच टाइप, इंडिविजुअल रेस्पॉन्स। तो अब इसमें हम लोग लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और मैनमेड थिंग्स के बारे में जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो जैसे हम अपने आसपास हम एक बता रहे हैं, बाकी आप लोगों को खुद करना है। नेचुरल में हम यहाँ रिवर डाल रहे हैं, नेचुरल थिंग्स में जो हमें प्राकृतिक से मिला। नॉन लिविंग थिंग्स में बुक्स डाल रहे हैं और मैनमेड थिंग्स में हम यहाँ कार डाल सकते हैं। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ हिंट्स दिया हुआ है, इसे देख करके ही हमें डालना है। तो फर्स्ट है, थिंग्स गिवेन टू अस बाई डैश आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। तो थिंग्स गिवेन टू अस बाई नेचर, यहाँ हम डालेंगे नेचर। मैनमेड थिंग्स आर डैश थिंग्स, तो मैनमेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ नॉन लिविंग डालेंगे। उसी तरह थर्ड है, थ्रो गार्बेज इन द, कहाँ फेंकेंगे कूड़ा करकट, तो डस्टबिन में। फोर्थ नंबर है, ग्रो मोर एंड मोर, क्या लगाएंगे, तो प्लांट्स। इस तरह से ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिलअप हो गया। अब बाकी रह गया कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आंसर यहाँ दिखाया गया है, इसे आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है और इसे नोट कॉपी में लिख लेना है। इस तरह से आपका ये क्लास वन का चैप्टर वन फिनिश हो गया। अब इसे आपको अपने घर पे बैठ के पूरा कर लेना है। अब अगले दिन के लिए